माय हीरो एकेडमिया वर्ल्ड हीरोज मिशन या फिर कहूँ माय हीरो एकेडमिया की थर्ड मूवी है। इससे पहले वाली जो दो मूवीज आई हैं वो मैंने देख रखी हैं और माय हीरो एकेडमिया की जो एनिमे सीरीज है इसके अंदर मैंने इसके तीन सीजन कंप्लीट कर लिए हैं और ये तीन सीजन मैंने बहुत पहले देखे थे, बहुत टाइम हो गया इसको नहीं देखे हुए। तो एक अंदर से इच्छा हुई क्यों ना उन यादों को फिर से ताजा किया जाए, उन करेक्टर्स को फिर से देखा जाए, उनकी पावर्स को फिर से देखा जाए, जो भी एडवेंचर जो भी एक्शन इसके अंदर दिखाया गया है वो फिर से क्यों ना देखा जाए। तो इसलिए इस मूवी को देखने का मतलब देखने की इच्छा यहाँ से हुई और ये मूवी 2021 में आई है, बहुत टाइम हो गया इस मूवी को है लेकिन देखने का सौभाग्य अब मिला है। अब मूवी की कहानी की बात कर लेते हैं। देखिए ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर ये इल्जाम लगता आया है कि भाई तू स्पॉइलर दे देता है, तो टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, जितना आपने ट्रेलर में देखा है उतना ही या फिर उससे भी कम बताने की कोशिश करूंगा। तो एक नीले रंग का प्राणी है वो इसमें अटैक प्लान करता है यानी हमला करना चाहता है लोगों के ऊपर, उसको मतलब वही बताए, ये तो इतनी तो कॉमन सेंस होगी ना, उसको रोकने के लिए हीरोज आते हैं। अब इसका प्लान क्या है, वो क्यों अटैक कर रहा है, इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं जो उसके पीछे का जो मोटिव दिखाया गया है प्लान का वो मुझे थोड़ा बहुत जस्टिफाई करता हुआ मिलता है। इसमें डेकू जो है वो एक वांटेड लिस्ट में आ जाते हैं जिसके लिए उसको मतलब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, पुलिस उसे पकड़ना चाहती है, टीवी के अंदर उसकी न्यूज दिखाई जा रही है कि भैया वांटेड लिस्ट में आ चुका है। तो ये सब चीजें तो ऑब्वियसली ट्रेलर में दिखाई गई है, तो टेंशन मत लेना कि मैं आप लोगों को स्पॉइलर दे रहा हूं। तो यहां पर जो चीजें हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका प्लान क्या है, प्लान के पीछे का मकसद क्या है, डेकू को क्यों फंसाया गया है, तो इन तमाम बातों के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अच्छाई वाली बातों में बात करूं कि भी इसमें अच्छा क्या क्या है, जो इसके अंदर जो प्लान है उसके पीछे का जो कारण हमें सुनाया जाता है क्यों ऐसा किया जा रहा है, जो एक विलन जो इसके अंदर देखने को मिलता है जो नीले रंग का प्राणी है उसका मोटिव क्या है, वो हमें जब देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देता है, थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर देता है। माय हीरो एकेडमी के जैसे मैंने कहा तीन सीजन देखे हैं, दो मूवीज मैं देख चुका हूं, काफी टाइम हो गया, तो अब यहां पर जब इस मूवी को देखने बैठा हूं तो कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर इंटरेस्ट इसलिए बना हो क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद माय हीरो एकेडमी देख रहा हूं। मतलब अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आपका हो सकता है ना कि आप कंटिन्यू से कर रखा हो, शायद आपको उतना इंटरेस्ट ना आए, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आए, मैं अपना ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे ये मूवी जो है वो इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन खैर लेकिन की बाद में बात करेंगे। इसकी जो पिछली दो मूवीज आई हैं उससे अगर कंपैरिजन इस मूवी को करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यार ये उनके बराबर ही है, कोई उनसे ज्यादा नहीं है, उनसे कम नहीं है, उनके बराबर ही हमें मिलती है। इसमें एनिमेशन मुझे काफी पसंद आया है, जिस तरीके की फाइटिंग सीक्वेंस इसमें देखने को मिलता है वो मुझे काफी पसंद आया, एक इमोशनल एंगल भी हमें इसमें देखने को मिलता है वो हमें इमोशनल कर देता है। एक नया करेक्टर इसके अंदर आता है जिसका नाम होता है रूडी, वो काफी ज्यादा फनी है, उस करेक्टर को देखकर आप इमोशनल भी हो जाएंगे क्योंकि उसकी एक कहानी दिखाई जाती है, वो भी मुझे काफी पसंद आया है इसके अंदर। ये तो होगी इसकी अच्छी अच्छी बातें। अब उस लेकिन की बात करूं तो देखो यहां पर मूवी का जो इंटरेस्ट है कहीं कहीं ब्रेक हो जाता है, मूवी के अंदर कोई ट्विस्ट एंड टर्न तो हमारे सामने आते नहीं है, एक एडवेंचर एक एक्शन वाली मूवी, हाँ फाइटिंग सीक्वेंस अच्छे हैं लेकिन कोई भी इस मूवी में ऐसा इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं, या फिर ऐसा कोई सस्पेंस वाला कोई ट्विस्ट वाला ऐसा कुछ भी नहीं आता इसके अंदर कि हमें लगे कि अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था, तो वो वाली चीज नहीं है, बहुत एक एवरेज स्टोरी है। आप जब इस मूवी को देखने बैठोगे तो शुरुआत में ही आपको पता चल जाएगा कि एंड में क्या होने वाला है, तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। एक चीज जो मुझे माय हीरो एकेडमिया की मूवीज की बात कर लूं या फिर इसके एनिमे की बात कर लूं, एनिमे सीरीज की बात कर लूं, तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आई है वो है इसके अंदर अपनी लिमिट को पुश करना, जैसे कि डेको इसके अंदर फाइट कर रहा है या फिर इसकी पिछली जो मूवीज आप देख सकते हो उसके अंदर जो फाइटिंग सीक्वेंस दिखाए जाते हैं जो ऑल माइट के होते हैं उसके हमें फाइटिंग सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं, या फिर एनिमे सीरीज के अंदर जो हमें फाइटिंग देखने को मिलती है, तो यहां पर लिमिट को पुश करना इसमें दिखाया जाता है। एक करेक्टर किसी से लड़ रहा होता है तो अब वहां पर उसको लगता है कि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, वो गिव अप करने की बात करता है, और जो उसके सामने जो विलन होता है वो और ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि भैया तुम गिव अप करोगे तो तुम मर जाओगे, तो वहां पर वो इंसान मतलब जो करेक्टर वो गिव अप करने की बजाय अपनी लिमिट को और ज्यादा पुश करने की कोशिश करता है, और वो मतलब हमें दिखता है, हमें जो जिस तरीके की हमें दिखाई जाती है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है। और ये माय हीरो एकेडमी की सच में मुझे
बहुत बढ़िया चीज लगती है, चाहे वो एनिमे सीरीज हो चाहे वो मूवीज हो, सब में ये चीजें दिखाई जाती है, सेम इस मूवी के अंदर भी वो हमें देखने को मिलता। तो इसके लिए मैं इसकी तारीफ जरूर करूंगा। हाँ, मैं इसे ये कह सकता हूं कि आप इसे वन टाइम वॉच कंसिडर कर सकते हो। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 6 out of 10 मैं दूंगा। आप लोगों ने मूवी देखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, और नहीं देखी है तो वन टाइम आप इसे, जैसे मैंने कहा, कंसिडर कर सकते हैं। कोई वल्गर सीन या एडल्ट लैंग्वेज इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ सुथरी एक सीरीज है, मूवी है, सीरीज का बार बार याद आ रहा है। तो आप इसे डेफिनेटली वन टाइम तो कंसीडर कर ही सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।